सोलन के साथ लगते बेरगांव के नाले में एक सड़ा गला अज्ञात शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोलन के साथ लगती पंचायत पड़क के बेर गांव के नाले में एक बुरी तरह से गला हुआ व्यक्ति का शव नाले में पड़े होने की सूचना नजदीक ही खेल रहे बच्चों ने पंचायत प्रधान को दी। प्रधान ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शव मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि शव पुराना प्रतीत होता है और काफी हद तक जंगली जानवरों द्वारा खाया गया लगता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिनाख्त कर मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। आज बेरगांव पंचायत के प्रधान ने हमें पुलिस स्टेशन सदर में इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनके वहाँ पे जो नाला है वहाँ पे कुछ बच्चों ने खेलते हुए एक डेड बॉडी को देखा है, तो जिसके संदर्भ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो पुलिस स्टेशन सदर पे सिटी पुलिस चौकी से हमारे पुलिस के कर्मी वहाँ पे मौके पे जाके उन्होंने निरीक्षण किया तो देखा कि वहाँ पे एक काफ़ी पुरानी डेड बॉडी, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो कि उस इलाके से संबंधित नहीं है, वो पाई गई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी थी और जिसके बॉडी के काफ़ी पोर्शंस पे सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई थी और मांस भी निकल चुका था। तो उस डे इसकी वजह से उसका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि इलाके के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि व लोग थे उन्हें कंटेक्ट किया गया, पर अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 174 CRPC की इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस लापता व्यक्तियों की हुलिये के साथ शव की पहचान करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।